मत्स्य अवतार। प्रचलित युग का अंत समीप था। भगवान विष्णु ने सोचा, प्रलय के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। मेरे भक्तों को बचाकर अगले युग में जाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तभी उन्होंने देखा कि उनके एक परम भक्त राजर्षि सत्यव्रत अर्घ्य दान कर रहे हैं। मैं मछली के रूप में मेरे भक्तों को बचाऊंगा, वो प्रलय से बच जाएंगे और अगले युग में मनु के रूप में प्रवेश करेंगे। जैसे ही सत्यव्रत ने अर्घ्य देने के लिए पानी हाथ में लिया, ओ बेचारी मछली, घबराओ मत, मैं तुम्हें वापस नदी में छोड़ देता हूँ। मुझ पर दया करो राजन, मुझे फिर से पानी में मत फेंको, वहाँ अन्य मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। उन्होंने उस मछली को कमंडलू में रखा और वापस अपने आश्रम ले गए। रात वो मछली बढ़कर कमंडलू के आकार की हो गई। जब अगले दिन सुबह सत्यव्रत उसे देखने गए, ओ राजन, ये कमंडलू तो बहुत छोटा है, कृपया मुझे कुछ बड़े स्थान पर ले जाइए। सत्यव्रत ने उसे एक पानी के बड़े घड़े में डाल दिया, लेकिन एक ही घंटे में, राजन मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे रहने के लिए कुछ स्थान निश्चित कीजिए। सत्यव्रत ने उस घड़े को आश्रम के नजदीक एक तालाब में खाली किया। वो मछली तालाब में चली गई, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो मछली बढ़ती गई और पूरा तालाब भर गया। राजन कृपा कीजिए, मुझे और बड़े और गहरे तालाब में ले जाइए, नहीं तो यहाँ मैं मर जाऊंगा। सत्यव्रत उसे एक से बढ़कर एक बड़े तालाब में ले गए, लेकिन मुझे और पानी की जरूरत है राजन, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। परेशान हुए सत्यव्रत ने उसे महासागर की ओर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन अब उनके मन में शंका जाग उठी। कौन है आप, कहीं आप, क्षमा कीजिए भगवान विष्णु। और सत्यव्रत उस मछली के आगे नतमस्तक हो गए। सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद महासागर में प्रलय आ जाएगा और तीनों लोग जलमय हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए एक नौका भेजूंगा, उस दरमियान तुम नए युग में प्रवेश करने के लिए अपने साथ कुछ बीज, वनस्पति और प्राणी इकट्ठा करो, फिर सप्तऋषियों के साथ इस नौका में बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। और हाँ, नागराज वासुकी को साथ लेना मत भूलना। सात दिन बाद विशाल बादल इकट्ठा हुआ और धुआंधार वर्षा प्रारंभ हुई। महासागर की लहरों ने विशाल रूप धारण करके जमीन को निगलना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु की प्रार्थना करो, उन्होंने वचन दिया है, वो हमें बचाने जरूर आएंगे। जैसा मछली ने कहा था, सत्यव्रत और सप्तऋषि किनारे पर राह देखने लगे। वो देखो, वो रही हमारी नौका, जैसा भगवान ने वचन दिया था, तैयार रहो। जैसे ही वो नौका किनारे लगी, सत्यव्रत ने सप्तऋषि, कुछ गिने चुने प्राणी और वनस्पतियों के साथ नौका में प्रवेश किया। उसकी नौका महासागर की विराट लहरों पर उछलने लगी। उसी वक्त अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुनहरी मछली उन्हीं की तरफ आ रही है। उसके सर पे एक सिंह था। जल्दी करो, वासुकी की रस्सी बनाकर तुम्हारी नौका को मेरे सिंह से बांध देना। डरो नहीं, तुम सब लोग सुरक्षित रहोगे। उसी दौरान भगवान विष्णु ने सत्यव्रत और सप्तऋषि को सर्वोच्च सत्य कथित किया, जिसे हम हमारे पुराणों के अनुसार आज मत्स्य पुराण के नाम से जानते हैं। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्तों को प्रलय से बचाया, ताकि वो सर्वोच्च ज्ञान अगले युग में ले जा सकें।